भाई और बहनों, काशी काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है। ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा।